कोविड-19 की वजह से पिछले साल से ही बंद सासाराम रांची एक्सप्रेस को आज से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन जब ट्रेन चलना शुरू हुआ तो डाल्टनगंज में यात्रियों की खचाखच भीड़ देखी गई। जिसने भी सुना कि सासाराम से रांची चलने वाली जो ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसे शुरू कर दिया गया है, तो पलामू वासियों में खुशी की भी लहर देखने को मिली। जो तमाम यात्री इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आए थे वो काफ़ी संख्या में थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी पहले दिन रेलवे स्टेशन पर। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आते ही काफ़ी लोग इस ट्रेन को देखने भी पहुँचे और अपने परिजनों को छोड़ने भी पहुंचे थे। हमने कई लोगों से बातचीत की, हालांकि उन्होंने कैमरे पर नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह बहुत ज़रूरी था इस ट्रेन को चलना, इस ट्रेन से काफ़ी सहूलियत होती थी। आपको बता दें कि उन यात्रियों के लिए जो राजधानी रांची जाना चाहते हैं और दिन भर में अपना काम करके वापस आ जाना चाहते हैं, उन यात्रियों के लिए, वैसे लोगों के लिए यह ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक मानी जाती है, क्योंकि इस ट्रेन का जो समय है वो सुबह 6 बजे है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर और 10 बजे के आसपास में वो आपको रांची पहुंचा देगी। वहीं अगर उधर से लौटने की बात करें तो शाम को 5 बजे वहां रांची स्टेशन पे है और यहां 9:30-10 बजे तक लोग डाल्टनगंज आ जाते हैं। तो हम देखते ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में लोग रांची पहुँच जाते हैं और रांची में दिन भर का काम करके वापस आ जाते हैं। इस लिहाज से उन तमाम लोग जो अपने किसी कार्य की वजह से राजधानी रांची की यात्रा करते हैं, अक्सर उनका आना जाना होता है, ऐसे में उन्हें काफ़ी दिन से इंतजार था कि कब यह ट्रेन चलेगी और कब लोगों को सहूलियत मिलेगी। 23 जून से इस ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हमने इस विषय पर डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के अधीक्षक से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि पलामू वासियों के लिए, पलामू गढ़वा लातेहार और इस रूट के तमाम लोगों के लिए, यात्रियों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन थी, क्योंकि इसके जो अवधि है जाने का वो भी कम समय है, क्योंकि यह टूरी से लोहरदगा होते हुए जाती है जिसमें अमूमन 4-4.5 घंटा ही लगता है। तो इस ट्रेन के शुरू हो जाने से पलामू वासियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का गाइडलाइन जारी किया गया है। हालांकि ट्रेन में यात्री जो है वो इस किसी भी प्रोटोकॉल को पालन करते नहीं नजर आए, काफ़ी संख्या में भीड़ थी, खचाखच बॉगी भरा हुआ था और कोई न सोशल डिस्टेंसिंग था, कम ही लोगों के चेहरे पर मास्क भी दिखा। इसके बावजूद रेल अधिकारियों ने जो बताया है कि हालांकि गाइडलाइन के तहत इस ट्रेन को शुरू किया गया है और आगे से ट्रेन में इसका जांच भी किया जाएगा, जो लोग इस गाइडलाइन प्रोटोकॉल को पालन करते नजर नहीं आएंगे तो उन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। कम टाइम पे पहुंच जा रहे हैं, कोई बस नहीं है, क्या दिक्कत बहुत थी जाने के लिए? रांची लोग नहीं जा पा रहे थे, किसी का काम हो रहा था तो काम नहीं हो पा रहा था, जाने के लिए बहुत तकलीफ होती थी पहले, बहुत लोगों जो मध्यम वर्ग के लोग थे तो जा नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल थी। ये ट्रेन खुलने से बहुत ही खुशी है और बहुत ही कम समय में रांची पहुंच जा रहा है लोग और अपने काम को निपटारा कर करके पुनः वापस आ भी जा रहे हैं लोग। जनरल काउंटर से यात्रियों को टिकट नहीं मिल सकती है अगर आपको इस ट्रेन से यात्रा करना है। हम बता दें आपको कि आपको एक दिन पहले ही टिकट कराना होगा या IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे का, उससे आप टिकट ऑनलाइन भी बना सकते हैं। और स्टेशन पर प्रवेश करने से पहले आपको मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा, बगैर मास्क के पकड़े जाने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये खुशी की बात पलामू वासियों के लिए है कि सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को शुरू कर दिया गया है, लेकिन आप इस यात्रा ट्रेन में यात्रा करने से पहले इन तमाम बातों को ज़रूर याद रखेंगे, सावधानियां बरतते हुए अभी सभी को यात्रा करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि कोरोना का खतरा कम जरूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है।